Chapter 21 Virus. Virus causes infection diseases. They are smaller than bacteria. विषाणु संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं और यह बैक्टीरिया से छोटे होते हैं. There are some sentences and some diseases. We read and answer suitable. First, in 1976, a virus caused an epidemic in Sudan and Zaire, now Congo. Many people died due to hemorrhagic fever caused by the Ebola. Means 1976 में सूडान और जैर जो कि अब कांगे हो गया है वहाँ पर एक वायरस की महामारी फैली हुई थी जहाँ पर हेमरेजिक फीवर जो होता है इसमें आपको डेंगू से होने वाला फीवर होता है इसमें नसों से खून बहने स्टार्ट हो जाते हैं और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं जिससे खून लगातार बहता रहता है. इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी. इस वायरस का नाम है इबोला. नंबर सेकंड, अ फैटल वायरल डिजीज वॉज सक्सेसफुली इरेडिकेटेड इन 1977 बाई द वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम. द डिजीज दैट गोट इरेडिकेटेड वॉज स्मॉल पॉक्स. 1977 में एक विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के द्वारा एक बहुत ही घातक वायरल रोग का वहाँ पर सफलतापूर्वक जांच किया गया था. स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी जो है यह उसी के बारे में है. स्मॉल पॉक्स जो होता है उसे हम चेचक कहते हैं. यह भी आपका वायरस के थ्रू फैलता है. नंबर थर्ड, द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एन एंटीवायरल प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन. दिस प्रोटीन इज कॉल्ड इंटरफेरन. मीन्स मानव शरीर का एक वायरल संक्रमण के जवाब में एक एंटीवायरल प्रोटीन का उत्पादन करता है. यानी ह्यूमन बॉडी के शरीर से जब भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो ह्यूमन बॉडी से एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है और उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरन. इंटरफेरन हमें ये इन्फॉर्म करता है कि हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्शन शुरू हो चुका है. नंबर फोर, इन 1798 एडवर्ड जेनर्स वर्क इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी. विच डिजीज वॉज प्रिवेंटेड बाई हिज एफर्ट इज स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स मीन्स होता है चेचक. 1798 में एडवर्ड जनरल के काम को व्यापक रूप से इम्यूनोलॉजी की नींव के रूप में माना जाता है. उन्होंने चेचक नाम के रोग को रोकने का प्रयास किया था. यानी इन्हीं के द्वारा चेचक नामक रोग को रोकने का एफर्ट खोजा गया था और प्राप्त हुआ था एडवर्ड जेनरस के काम के द्वारा. नंबर फाइव, द डिस्कवरी ऑफ द साल्ट हेल्प एट टू ऑलमोस्ट एरेडिकेट विच डेडली डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम इज पोलियो. साल्ट जो कि एक व्यक्ति का नाम है उनकी खोज ने तंत्रिका तंत्र की बहुत ही बड़ी घातक रोग को लगभग मिटाने में मदद की थी. उस रोग का नाम है पोलियो. नंबर सिक्स, इट वॉज इन 1983 दैट द वायरस कॉजिंग एड्स वॉज डिस्कवर्ड. इट वॉज गिवन द नेम HIV. HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम. मीन्स 1983 में एड्स पैदा करने वाले वायरस की खोज हुई थी और उस वायरस का नाम क्या था HIV. HIV के द्वारा आपका एड्स होता है. HIV आपका एक वायरस है. नंबर सेवन, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द वायरस दैट कॉज द कॉमन कोल्ड. सामान्य जुखाम पैदा करने वाले वायरस मीन्स विषाणु को क्या नाम दिया गया है. तो नॉर्मली जो सर्दी जुखाम होते हैं वो किस वायरस के द्वारा होते हैं. उसका नेम है राइनोवायरस. राइनोवायरस के द्वारा हमें नॉर्मली सर्दी जुखाम होते हैं. नंबर एट,
It was the study of the plant disease by the Dmitry Ivanovsky in 1892 that led to the history of viruses. Which viral disease was his study based on? Answer: tobacco. उसे तंबाकू भी कहते हैं. Means, यह 1892 में दिमित्री इनोवेस्की द्वारा एक पौधे की बीमारी का अध्ययन किया गया था जिसे वायरस के इतिहास को जन्म दिया. मीन्स वायरस का इतिहास तभी से आरंभ हुआ कि वायरस अस्तित्व में आया. इस वायरल जो वायरस है वह किसके आधार पर है? तंबाकू के आधार पर. इन्होंने क्या किया था, तंबाकू का जो प्लांट डिजीज़ होती है उसकी डिस्कवर की थी और तभी से आपका वायरस क्या हुआ, अस्तित्व में आया. नंबर 9, अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स इज कॉल्ड अ बैक्टीरियोफेज. जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करने वाला विषाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज जो होता है ये आपका बैक्टीरियल सेल्स को जो होता है उसे प्रभावित करता है. नंबर 10, दिस इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ लीवर. द वायरस इज़ नॉट स्प्रेड बाय फूड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. नेम द डिजीज़. यह बीमारी लीवर की है. वायरस जो होता है वो भोजन या यौन संपर्क से नहीं फैलता. यह बीमारी जो होती है यह किसी भी कारण से नहीं फैलता. यह एक लीवर की बीमारी है. इस बीमारी का नाम क्या है? हेपेटाइटिस बी. यह बहुत ही वायरल लीवर वाली बीमारी है जो नॉर्मली हेपेटाइटिस बी है. नाउ वी नो दैट सम टाइप्स ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट आवर बॉडी एंड बैक्टीरियल सेल्स.